Hello everyone, good morning to all. I am Dr. Devaram, Assistant Professor, Department of Geology, Government Umar College, Bikaner. I welcome you all in this Geotech YouTube channel. Today we are going to start Economic Geology, Paper 1st of BSc Part 3rd and Paper 4th of MSc Previous Geology. Economic geology is the important branch of geology which deals with the different aspects of economic minerals which are being utilized by mankind to fulfill their various needs. Arthik Bhuvigyan, Bhuvigyan ki vah shaka hai jiske antargat arthik mahatv ke khanijon ka adhyayan kiya jata hai aur jo ki मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं. इकोनॉमिक मिनरल्स आर दोज विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. आर्थिक खनिज वो होते हैं जो कि लाभ के लिए उत्खनन किए जाते हैं. दिस सब्जेक्ट डील्स विथ बेसिकली मिनरल्स एंड देयर ओरिजिन, process of mineral formation, control of localization, metallogenic epoch and provinces, classification, mineralogy, economic uses, mode of occurrence, geological and geographical distribution. Objective of the economic geology. आर्थिक भूविज्ञान के उद्देश्य. द मेन एंड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी इज टू चर्च न्यू मिनरल डिपॉजिट, नए खनिज निक्षेपों का खोज करना, डेवलपमेंट एंड कंप्लीट साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिपॉजिट, किसी खनिज निक्षेप का विकास और पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन करना, to prepare a plan for a mineral deposit for proper utilization before its extraction. एक खनिज निक्षेप का proper use कैसे हो उसको निकालने से पहले इसके लिए एक पूर्ण रूप से plan तैयार करना. A particular mineral in nature is associated with particular types of rocks. For example, diamond is associated with kimberlite, chromite is associated with peridotite, platinum is associated with norite or peridotite, corundum is associated with nepheline syenite, tin is associated with granite. Hence we can say that there is a genetic relationship of minerals with the particular types of rocks. So economic geology provide this knowledge about that a particular rock is host a particular types of minerals. So economic geologists have an idea about the assemblies of mineral in a particular types of rocks. So economic geology provide the detailed knowledge about it. Nature में एक विशेष प्रकार की चट्टान के साथ एक विशेष प्रकार का mineral associated रहता है, जैसे कि diamond हमेशा kimberlite में मिलता है, ठीक उसी प्रकार क्रोमाइट पेरिडोटाइट के साथ में एसोसिएट होता है, इसी प्रकार प्लेटिनम नोराइट के साथ में या पेरिडोटाइट के साथ में, कोरंडम नेफेलिन साइनाइट के साथ में और टिन ग्रेनाइट के साथ में मिलता है. इस प्रकार कह सकते हैं कि रॉक का एक जेनेटिक रिलेशनशिप है मिनरल एसोसिएशन के साथ में. तो ये सब सारा ज्ञान हमें आर्थिक भूविज्ञान उपलब्ध करवाता है, जिसकी वजह से हम नए मिनरल की सर्च करने में हमें आसानी रहती है. स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी, आर्थिक भूविज्ञान का कार्य क्षेत्र. आर्थिक भूविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो लंबा चौड़ा है, डाइवर्स है वीक अपन कह सकते हैं. तो ये बेसिक रूप से सभी उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करवाता है. इसके अलावा किसी देश की रक्षा के लिए जो अस्त्र शस्त्र बनते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कृषि के उपकरण, हाउस होल्ड यूटेंसिल,
all transport facilities and all other things need for human civilization. मानव सभ्यता के लिए जितने भी आवश्यकता होती है वो अर्थ इकोनॉमिक जियोलॉजी है वो उपलब्ध करवाता है. किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की खनिज संपदा पर निर्भर करता है और खनिज संपदा का कितना यूज होता है. तो ये जो सारा है नॉलेज है इकोनॉमिक जियोलॉजी प्रोवाइड करवाता है. थस देयर इज ए ह्यूज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी. नाउ वी डिस्कस द मिनरल. व्हाट इज द मिनरल? ए मिनरल इज नेचुरली अकरिंग सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जनरली इनऑर्गेनिक विद ए स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन. कि मिनरल नेचुरल होता है सॉलिड विद स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन. एटम अरेंज्ड इन ए ऑर्डरली रिपीटिंग 3D एरे यानी क्रिस्टलाइन एंड कंपोजिशन इज फिक्स्ड. सो मिनरल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रॉक. फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, जिप्सम, हेमेटाइट एटसेट्रा. मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट. सो दिस इज द कॉमन मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट इन द परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल फेल्सपार कंपोज द 49% ऑफ द लिथोस्फीयर एंड देन फॉलोड बाई द क्वार्ट्ज 21%. द पायरोजिन, एम्फीबोल एंड ओलिविन कंपोज 15%. देन अदर फॉलोड बाई माइका, मैग्नेटाइट, टाइटेनाइट, इल्मेनाइट एंड अदर्स. This is the crustal abundance of economic important minerals in which oxygen is the most abundant element, then followed by silica, then the alumina in the 8%, iron 5.8, magnesia 2.77, potassium 1.68, then titanium, hydrogen, phosphorus, manganese, fluorine and gold in the last. So the element which have very least concentration, these are very precious minerals. This is also a earth crust concentration chart given by Kilar, in which aluminum 8%, iron 6.3%, copper 0.005%, nickel 0.08%. Now the exploration results can be translated into mineral resource once it clear that occurrence of intrinsic economic interest exists in such form and quantity that there is reasonable prospect for its eventual exploitation. Such a source can be referred to an ore deposit if it is a part of an economically extractable measures or indicated mineral resources. So mineral resources and mineral reserve. Resources are in situ estimates and reserve which are reported as mineable production, in which there is a chart. Mineral resource may be inferred, then indicated and measured. So, and reserves are probable and proved. Now, mineral deposit. Mineral deposit refers to accumulation of useful mineral of a mineral kingdom. खनिज का निक्षेप, एक ही प्रकार के खनिजों में एक ही जगह इकट्ठा होना खनिज निक्षेप कहलाता है. The element that enters into the constituent of mineral deposit are derived from either rocks of the earth crust, upper mantle or from magma. खनिज निक्षेप के दौरान जो उसके संगठन मिनरल एक साथ इकट्ठे होते हैं वो अर्थ क्रस्ट से, अपर मेंटल से या किसी मैग्मेटिक बॉडी से डेराइव होते हैं. और इस प्रकार के जो डिपॉजिट होते हैं वो धात्विक निक्षेप और अधात्विक निक्षेप, मेटेलिफेरस डिपॉजिट एंड नॉन मेटेलिक डिपॉजिट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकते हैं. नाउ देयर आर सम टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग इकोनॉमिक जियोलॉजी. और अयस्क किसे कहते हैं? ए टाइप ऑफ रॉक दैट कंटेन्स मिनरल विद इंपॉर्टेंट एलिमेंट इंक्लूडिंग मेटल दैट कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए रॉक एट ए प्रॉफिट.
यस, एस किसे कहते हैं? किसी भी रॉक से धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है एट ए लैब, वो एस कहलाता है। ओर डिपॉजिट, एक्यूमुलेशन ऑफ ओर फ्रॉम क्रस्ट वेयर ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। नाउ गैंग या अधात्री बोलते हैं, दिस इज अनवांटेड एसोसिएट ऑफ द ओर। एस के साथ में कुछ अशुद्धियाँ होती है, उनको गैंग कहते हैं। कॉमर्शियली वर्थलेस मटेरियल दैट सराउंड और क्लोजली मिक्स विद ए वांटेड मिनरल इन ए ओर डिपॉजिट, वो अधात्री या गैंग कहलाता है। नाउ द माइनिंग, द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर और अदर वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम द ओर डिपॉजिट इज कॉल्ड एज माइनिंग, खनन कहलाता है। ओर डिपॉजिट का खनन करना। नाउ सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द इकोनॉमिक जियोलॉजी। मेटेलोजेनी, टू स्टडी ऑफ जेनेसिस ऑफ मिनरल डिपॉजिट विथ एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप इन स्पेस एंड टाइम टू जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मेटेलोजेनी कहलाती है। मैं खनिज निक्षेप का उद्भव कैसे हुआ, उसके साथ में समय और स्पेस के साथ में जियोलॉजिकल फीचर्स के का अध्ययन का सहसंबंध का अध्ययन मेटेलोजेनिक कहलाता है। नाउ मेटेलोजेनिक ईपोक्स, ए यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम फेवरेबल फॉर डिपोजिशन ऑफ ओर करेक्टराइज्ड बाय ए पर्टिकुलर असेंबलेज ऑफ डिपोजिट। भूवैज्ञानिक इतिहास का वह समय जो कि मिनरल डिपोजिट के लिए अनुकूल रहा हो, मेटेलोजेनिक ईपोक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल प्री कैम्ब्रियन ईपोक। मेटेलोजेनिक प्रोविंस, ए रीजन करेक्टराइज बाई पर्टिकुलर असेंबलेज ऑफ मिनरल डिपॉजिट। एक ऐसा क्षेत्र जो कि एक विशेष प्रकार के खनिज निक्षेप के लिए उचित रहा होगा, वो मेटेलोजेनिक प्रोविंस कहले जाता है। फॉर एग्जाम्पल अरावली प्रोविंस। पॉली मेटेलिक डिपॉजिट, एक ऐसा डिपॉजिट जिसमें एक से ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, वो पॉलीमेटेलिक मिनरल कहलाता है। जैसे कि जेलकोपायराइट, जिसमें कॉपर, आयरन और सल्फर तीनों मेटल मिलते हैं। नाउ सिनजेनेटिक ओर डिपॉजिट, ऐसा ओर डिपॉजिट जो कि उस हॉस्ट रॉक के साथ में बना हो, वो सिनजेनेटिक ओर कहलाता है। एपिजेनेटिक ओर डिपॉजिट, ऐसा ओर डिपॉजिट जो कि हॉस्ट रॉक के बाद में बना होगा। हाइपोजीन, रेफर्स टू मिनरलाइजेशन कॉज्ड बाय असेंडिंग हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन। हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन जिसमें बाद में असेंडिंग हुआ होगा, वो हाइपोजीन मिनरल डिपॉजिट कहलाता है। एंड नाउ सुपरजीन, दीज आर सेकेंडरी मिनरल डिपॉजिट्स विच आर मिनरलाइजेशन कॉज्ड बाय डिसेंडिंग सॉल्यूशंस। दिस इज द लिस्ट ऑफ कॉमन ओर मिनरल्स दीज आर द लिस्ट ऑफ कॉमन गैंग मिनरल्स। कॉमनली गैंग मिनरल्स आर क्वार्ट्ज, लिमोनाइट, कैल्साइट, डोलेराइट, बेराइट एंड एटसेट्रा। नाउ व्हाट इज द ग्रेट? ग्रेड इज द मेटल कंटेंट ऑफ ए ओर। किसी भी ओर में मेटल का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उसका ग्रेड उतना ही अच्छा होता है। द ओर ग्रेड इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक मिनरल और ए मेटल इन ए ओर डिपॉजिट। तो अगर बेस मेटल है तो जनरली उनको हम वेट परसेंटेज में उनकी यूनिट लिखते हैं, और प्रेसिस मेटल हैं जो कि बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिसको ग्राम पर टन में व्यक्त करते हैं। सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल फर्दर स्टडी इन द अबाउट द इकोनॉमिक जियोलॉजी ऑफ द